भाई उनकी सत्ता है, वो जो चाहे वो कर सकते हैं, ऐसा थोड़ी है। गलत कर रहे हैं बिल्कुल, मुसलमानों के खिलाफ एकदम, सिर्फ मुसलमानों के, बिल्कुल बिल्कुल मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई। जी भी यही बात कर रहे हैं, बिल्कुल हम भी कह रहे हैं। दुख इस बात का है कि ये खाली मुसलमान था, इसलिए सिर्फ मुसलमान के लिए सिर्फ जो काम किया जा रहा है, सिर्फ मुसलमान के लिए। कि आदमी देखिए, कोई भी प्रशासन है, अगर बगैर आदमी की जान से तो नहीं मानना चाहिए। आदमी कोई भी कानून है, कानून व्यवस्था के दौरान पे जो है, आप कानून को उसको जेल में ले जाइए, जेल में ले जा कानून से पूछताछ कीजिए, बस यही है। गलत हुआ है और क्या, गलत हुआ है, क्या गलत हुआ भैया? अरे सिस्टम में कोर्ट है, कचहरी है, जज हैं, ये सबको तो पहले ही कह रहे थे गुंडागर्दी करोगे मिला देंगे, इनके ऊपर तो खुद मुकदमे हैं 54। तो ये जो असद के साथ जो हुआ, क्या सही हुआ? गलत हुआ सर। क्या, एक मिनट देख, क्या गलत? अरे वो कैमरा के सामने नहीं बात करेंगे। क्यों बात नहीं कर सकती, क्या वजह, क्या गलत हुआ बता सकते हैं? गलत हुआ बस, हाँ गलत हुआ है। क्या, क्यों गलत हुआ? मतलब अतीक जो कर रहा था, क्या वो सही कर रहा था आपको लगता है? नहीं नहीं सही नहीं कर रहे थे, सब अच्छा काम कर रहे थे, गरीब की हेल्प कर रहे थे। अतीक जी, अच्छा उमेश पाल के परिवार को जो दुख दिया असद ने, अतीक ने, तो क्या लगता है गलत नहीं किया? ये बात ना पूछिए, हम काम से जा रहे हैं थोड़ा। आप समर्थन करते हैं मतलब? जी हम, आप बताइए सर। भैया दो मिनट, काम आगे बढ़ा गाड़ी, क्या बताएं, क्या हुआ मतलब, सही हुआ गलत हुआ? योगी जी कह रहे थे मिट्टी में मिला देंगे, सब पॉलिटिकल स्टैंड भाई, इसमें क्या कर सकते हैं। हाँ सब समर्थन करते हैं असद का, मतलब बिल्कुल समर्थन करते हैं भाई, असद का समर्थन, बिल्कुल समर्थन करते हैं, समर्थन करते हैं भैया। आप डिग्निफाई आप करेंगे, अगर आप ही करने लगे तो फिर न्यायालय की क्या जरूरत पड़ गई? जब सारा था नहीं था, ये डिसाइड कोर्ट का काम है ना करना, आप थोड़ी करेंगे। बताइए जी, आप बताइए, हमने कहा माफिया था नहीं था, ये काम कोर्ट का काम है ना डिसाइड करना। अभी किसी भी उसमें कन्विक्शन तो हुआ नहीं सांसद जी को, ये राजनीति से प्रेरित काम है भैया, इलेक्शन आने वाला है, इसीलिए सभी सब हो रहा है, इसलिए सब हो रहा है बिल्कुल। योगी जी कह रहे थे मिट्टी में मिला देंगे माफियाओं को, मिट्टी में भाई उनकी सत्ता है, वो जो चाहे वो कर सकते हैं, ऐसा थोड़ी है। गलत कर रहे हैं बिल्कुल, मुसलमानों के खिलाफ एकदम, सिर्फ मुसलमानों के, बिल्कुल बिल्कुल मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई। जी भी यही बात कर रहे हैं, बिल्कुल हम भी कह रहे हैं। अच्छा मुसलमानों के खिलाफ कैसे, इतने हिंदू मारे गए अभी कुछ दिन पहले, आदित्य राणा मारा गया, 2.5 लाख का इनामी बंदा। आपने टेनी मिश्रा कुछ किया? उसने लखीमपुर खीरी में गाड़ी चढ़वा दिया, क्या किया आपने? विकास दुबे का तो हुआ, पुलिस वालों को मारा तो उसको मिट्टी में मिला दिया भाई, उसको धोखे से मार दिया ना, उसको सरेंडर करा के ले आए प्यार से, चलिए आपको हम बचा लेंगे, बाद में मरवा दिया आपने उसको। गलत हो रहा है, बिल्कुल गलत हो रहा भाई। दुख है आपको इस बात? दुख नहीं, दुख इस बात का है कि देखिए जो चीज़ कानून सजा देगा ना, आप सजा देने लगेंगे तो न्यायालय से भरोसा उठ जाएगा आदमी का भाई। असद के लिए दिल में दुख है मतलब कि रोना आ रहा है? नहीं रोना नहीं आएगा, देखिए हर कर्म का जो फल है वो मिलना चाहिए, समझिए बात को, रोना क्यों आएगा, बुरा काम किया बुरा होगा। लेकिन लेकिन पड़ोसी उसका समर्थन कर रहे हैं असद का, कह रहे हैं कि हमारा भाई था उसको मार दिया। बिल्कुल भाई था वो, हाँ बिल्कुल भाई था, भाई ने जो गलत काम किया उसका, उसे भाई कुछ नहीं। आप उस तह तक नहीं जा पा रहे हैं, उसने गलत क्यों किया ये तो देखिए ना आप, उसने गलत क्यों किया भाई, उसने भरी कोर्ट में जो उनकी माता जी को उसने सीने से हाथ रख के धक्का मारा है उमेश पाल ने, आपने सब देखा, आपने ये नहीं दिखा रहे, आप सिर्फ ये दिखा रहे कि उसने मर्डर कर दिया। आप उस तह तक तो जाइए जहाँ पे उसने वो आज आप कह रहे हैं कि असद के लिए कानून नहीं, क्या कानून से कोई काम नहीं हो रहा, तो क्या लगता है आपको अगर असद ने क्या जो बदला लेने के लिए, असद तो बदले की भावना से काम कर रहा था ना, फिर जो आप बात कह रहे हैं कोई बदले की भावना, अभी आपकी माँ बहन को आदमी मान सम्मान का उखाड़ देगा तो आप क्या करेंगे ये बता दीजिए खाली में? आप सीधे मारेंगे, आप गोली मार देंगे? गोली नहीं मार देंगे, जब वो भी तो कह रहा था गोली मार देंगे, वो भी उसने बदतमीजी किया, वो आप नहीं रिकॉर्ड कर पाए कोर्ट परिसर में, उसने कहा उमेश पाल ने कानून, असद ने कानून का सहारा क्यों नहीं? बिल्कुल कानून के सहारे से चल रहे थे वो सब, सरेंडर करने कहाँ लिखा है सीधा गोली मार दीजिए उमेश पाल पे, फायरिंग कर दीजिए गनरों को, जो गनर उसके साथ लगे तो उसको मार दीजिए। तो गनर भैया गनर प्रोडक्शन में इनको नहीं मार देगा, गनर जो है गनर को ही मार दे, बिल्कुल गनर सामने भूल जाएंगे, असद जैसे लोग कानून भूल जाएंगे, लेकिन जब असद मिट्टी में मिल जाएगा तो फिर लोगों को कानून याद आने लगे। कानून बता रहे हैं, कानून को आप डिग्निफाई कर पा रहे हैं, हैं वो सरेंडर ही करने जा रहे थे तो आपने उनको उठवा लिया, मरवा दिया आपने खड़ाक से, बिल्कुल सरेंडर करने जा रहे थे वो, गलत हो रहा है, बिल्कुल गलत हो रहा है। भाई साहब आपसे बातचीत कर लेते हैं, क्या नाम हो गया आपका भाई साहब? फारूक नाम है। शाहरुख, फारूक। अच्छा शाहरुख भाई क्या कहेंगे, असद आपका भाई है? भाई क्या, भाई है तो भाई की तरह है, भाई है तो भाई के साथ गलत हो रहा है? बिल्कुल गलत हुआ है सर, सरासर गलत हुआ है, सारा गलत हो गया। फिर एकदम दो चीज बताइए तो सही, क्या गलत हो गया? उसने उमेश पाल के साथ जो किया सही किया था, गलत किया?
तो मिस कबाल साहब जो जो किया था तो उसकी सजा कोर्ट देगी कि पुलिस वाला देगा? पुलिस का जज है क्या? जज वाला तो है। पुलिस वालों पे गोली चलाई जाती है, पुलिस देखिए हम समर्थन तो प्रशासन के साथ हैं, ऐसा नहीं है। दुख क्यों है, किस बात को लेकर इतना ज़्यादा दुख हो रहा है? माफिया था मारा गया और क्या हो? दुख इस बात का है कि ये खाली मुसलमान था इसलिए, सिर्फ मुसलमान के लिए सिर्फ जो काम किया जा रहा है सिर्फ मुसलमान के लिए, सिर्फ मुसलमान था इसलिए दुख है आपको। अगर ऐसा हिंदू कोई मारा जाता क्या आप उसके लिए भी यही बात करते कि कानून नाम की कोई चीज़ नहीं इस देश? हिंदू मारे कहाँ जा रहा है? अभी परसों आदित्य राणा का नाम सुना है आपने? 2.5 लाख का इनामी बदमाश, अरे वो भी ऐसे ही मारा गया है, उसके बारे में तो लोग कानून और उसका बात नहीं कर रहे। गलत का साथ क्यों दिया जाता? ये कोई पेशेवर मुजरिम तो था नहीं, इससे पहले इसका कोई बैकग्राउंड था आप बताइए? पहली बार था, 19-20 साल का बच्चा था। 19-20 साल के बच्चे फायरिंग करेंगे? अरे मान लो फायरिंग किया उसको कोर्ट सजा देती, सुधरता ही नहीं सुधरता, कोर्ट का ही बना देती जाए अगर कम उम्र के हैं बच्चे तो सुधर। फिर क्यों कह रहे थे कि मेरा बेटा जो है वो शेरों वाला काम करता? शेर नहीं, असद कमाने शेर ही होता है, इसलिए वो शेर बोल रहा है। असद कमाने उसका शेर होता है ना, तो बस इसीलिए तो शेर ढेर हो, वो चढ़ाया नहीं था कि शेर है तो मार देगा। आप बता रहे, तो कह रहे आप बता रहे बाहुबली है, वो थोड़ी बोल रहे बाहुबली है। मैं अगर वो कहते मेरा बेटा, अगर वो बाहुबली होता तो कानून के सहारे क्यों जेल के अंदर आप 4 साल से 5 साल से बैठा हुआ है भाई? वो भी निकल जाता ना, अरेस्ट होता अगर वो बाहुबली नहीं, बाहुबली नहीं है, निर्दोष है, मतलब बिल्कुल निर्दोष है। तो अच्छी बात कर रहे हैं भाई, हम पड़ोसी हैं, बिल्कुल समर्थन करेंगे भाई, हम क्यों बोलेंगे? पड़ोसी गलत का भी समर्थन करेगा, बिल्कुल करेगा गलत का समर्थन। क्या नाम हो गया भाई आपका? मोहम्मद आतिफ आसिफ। अच्छा ये बताइए क्या हुआ सद के साथ, सही हुआ गलत हुआ? गलत हुआ है और क्या। गलत हुआ है, क्या गलत हुआ भैया? अरे सिस्टम में कोर्ट है, कचहरी है, जज है, ये सबको तो पहले ही कह रहे थे गुंडागर्दी करोगे मिला देंगे इनके ऊपर, तो खुद मुकदमे है 54। तो जब मुस्लिमों को देखा जा रहा है क्या, ऐसी जाति आधार पे करा जा रहा है ये? हर जी एनकाउंटर कर दिया और क्या। अच्छा जो उसने किया था उमेश पाल के साथ वो सही किया था? उसमें तो फोटो और कोई की दिख रही थी उसमें तो उसका साथी एक गुलाम था, उसके परिवार वालों ने उसका शरीर लेने के लिए मना कर दिया कि हम ऐसे लोगों का साथ नहीं देते। क्या लगता है उनके परिवार वालों ने सही किया गलत किया? ये बारे में हमको नहीं मालूम, कोई मालूम नहीं। असद का समर्थन करेंगे? समर्थन क्या, वो मोहल्ले के थे और क्या, मोहल्ले के दिल्ली समर्थन कर रहे हैं, सही गलत नहीं देख रहे भाई साहब। आपसे बातचीत कर लेते हैं, क्या नाम हो गया आपका? भैया हम कुछ नहीं कहेंगे, कुछ नहीं कहेंगे, सब लोग कह रहे हैं असद अच्छा था, बताइए निर्दोष था, मार दिया उसको। हम नहीं बोल सकते, क्यों नहीं बोलेंगे, डर है किसी बात का? नहीं डर किस बात, नाम तो बताइए सर एक बार। आप भी पड़ोसी हैं अतीक के? नहीं पड़ोसी, पड़ोसी नहीं है। समर्थन नहीं करेंगे फिर तो, आप पड़ोसी ही समर्थन कर रहे हैं अतीक का? हम भैया नहीं बोल सकते। क्या वजह है ऐसी खास, कोई खास वजह की नहीं बोल पा रहे? भाई खास वजह क्या है? हाँ इधर भाई साहब आ रहे, भाई साहब 2 मिनट रुक जाइए ज़रा, नहीं रुकेंगे। अच्छा सर बात करेंगे, क्या नाम हो गया आपका? हाँ नाम क्या हो गया? नाम मेरे मोहम्मद दिलशाद। अच्छा दिलशाद जी, असद के साथ जो हो रहा है, अतीक के साथ जो हो रहा है, सही हो रहा है गलत हो रहा है? भाई इसमें क्या बता सकते हैं हम लोग, गलत है या सही है भाई? आपको क्या लगता है इसमें? गलत तो है ये है। क्या गलत है ये? गलत ये है कि आदमी, देखिए कोई भी प्रशासन है, अगर बगैर आदमी के जान से तो नहीं मानना चाहिए आदमी, कोई भी कानून है, कानून व्यवस्था के दौरान पे जो है आप कानून को उसको जेल में ले जाइए, जेल में ले जाकर कानून से पूछताछ कीजिए, बस यही है। कानून के सहारे से काम होगा? अच्छा जो लोग ऐसी ऐसी बातें करते हैं, सीधे फायरिंग करते हैं, क्या देखता है वो कानून देखते हैं? अरे फायरिंग की बात,